हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा आप सभी को पता ही है कि अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए उसके लिए कुछ क्राफ्ट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक चार्ट पेपर लिया है, और क्योंकि मुझे A4 साइज़ का फ्रेम बनाना था तो इसलिए चार्ट पेपर का यूज़ किया है। उसके बाद A4 शीट लेकर चार्ट पेपर के अराउंड लाइन्स ड्रॉ किए हैं उसी साइज़ की। मैंने वाइट चार्ट पेपर लिया है, आप किसी भी कलर का चार्ट ले सकते हैं जैसा आपको चाहिए, और अपने अकॉर्डिंग साइज़ भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद लाइंस को आगे एक्सटेंड करते हुए पॉइंट्स मार्क करना है। पहला 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा एट 2 सेंटीमीटर, तीसरा 1.5 सेंटीमीटर, और चौथा फिर से 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी पॉइंट्स मार्क करना है, और फिर उन्हें लाइन से मिला देना है। आप मेजरमेंट्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो खूबसूरत लगेगा। ऐसे ही ये पॉइंट्स और लाइन्स हमें चारों तरफ बना लेना है, चारों साइड्स के अराउंड। धीरे धीरे सारे स्टेप्स फॉलो करते रहें, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, इन द एंड इट विल बी वर्थ इट इंशाल्लाह। मेरी आवाज़ थोड़ी हैवी या चेंज चेंज सी लग रही होगी, बिकॉज अभी मुझे जुकाम है और थोड़ा सा फीवर भी है, तो इसलिए थोड़ा आवाज़ बदला बदला है। इसे कंप्लीट करने के बाद जो 1.5 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, उस पर हमें दोनों लाइंस पे 2 सेंटीमीटर पे मार्क करना है, और कुछ इस तरह से लाइंस खींच लेनी है। ऐसे ही हमें ये दोनों साइड के एंड्स पे बना लेना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे मैंने ये क्रॉस मार्क किया है, उसे कट करते टाइम हम इसे साथ में ही बाहर कट कर देंगे। यहाँ पे ये पेपर कट करने के लिए मैं ये थर्माकोल कटर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सीजर से थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट इससे एकदम स्ट्रेट कटता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। अब इसे कट करने के बाद हमें जो स्केल की हेल्प से साइड्स में जो हमने लाइंस खींचे हुए हैं, इनको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। पहले पेपर को स्केल की हेल्प से और पीछे से ऐसे फिंगर लगा के इसको अच्छे से फोल्ड करना है। उसके बाद हम इसमें स्केल से अगर ऐसे करेंगे तो ये और अच्छे से वहाँ पे हमें फोल्डिंग मिल जाएगी। ऐसे ही बाकी के सारे लाइंस पे हमें ये क्रीज से बना लेनी है, और उसके बाद हमें ये चारों साइड से बना लेना है। चारों ही साइड पे हमें इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना है। और गाइस, मुझे ये बोलना था कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए क्या क्या बनाऊँ। और अभी किसी ने आयरन मैन के लिए भी कमेंट किया था, तो मैंने वो बनाने का ट्राई किया, बिकॉज़ मेरे पास क्ले के टूल्स नहीं है, तो वो उतना अच्छा टेक्स्चर नहीं आ पाता है, और इसलिए अभी मैं क्ले रिलेटेड ये वाले वीडियोस नहीं बना रही हूँ, बट मैं सारे वीडियोस धीरे धीरे बनाने का ट्राई करूँगी। यहाँ पे इसे फोल्ड करने के बाद हम चारों साइड से इसे ग्लू से चिपका देंगे। इतना कर लेने के बाद ये हमारे पूरे प्रोसेस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कम्प्लीट हो गया है। तो हमारे फ्रेम का ये आउटर पार्ट अब रेडी है। इसके बाद हमें जो आगे का प्रोसेस है, उसके लिए हमें चाहिए एक पुराने शादी का कार्ड। आपके घर पे बहुत सारे कार्ड्स होंगे, और कार्ड्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, बहुत खूबसूरत पैटर्न्स होते हैं, तो हम उन कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन पार्ट के लिए। अब मैं इस कार्ड का यूज़ कर रही हूँ, और इसको हम लगाएंगे बैकग्राउंड पर। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा था, बट ये ठीक ठाक वर्क कर जाएगा। उसके बाद मैंने बचे हुए पार्ट पर, क्योंकि इस पर बहुत ही प्यारा पैटर्न बना हुआ था, फ्लावर लीव्स बने हुए थे, तो मैंने उसी पे अल्फ़ाबेट्स बनाकर उनको कट कर लिया है। तो इसके लिए साइजेस मैंने इक्वल रखा हुआ है, सभी स्क्वायर बना लिया एक एक इंच का, और उसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे बी के बाद ए मेरे से छूट गया था, तो मैंने उसको लास्ट में बना लिया है। और सारे अल्फ़ाबेट्स लिख जाने के बाद हमें इनको एक एक करके कट कर लेना है। जब ये सारे अल्फ़ाबेट्स कट जाएंगे, तो फिर इनको रख देना है साइड में, और फिर से ले लेना है एक A4 शीट, और उस पर हमें रेक्टेंगुलर शेप्स बना लेने हैं। उसके बाद हम उन्हें एक एक करके कट कर लेंगे, और उसका यूज़ करेंगे हम उस पर अल्फ़ाबेट्स चिपकाने के लिए, और अल्फ़ाबेट्स को उस पर चिपका कर उसमें हैंग करने के लिए। इसे कट करने के बाद इसे इकट्ठा करके नीचे से एक ट्रायंगुलर शेप हमें कट कर देना है। उसके बाद हमें एक एक करके सारे अल्फ़ाबेट्स इस पर चिपका दे रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा नीचे की तरफ चिपकाएंगे, क्योंकि ऊपर के पार्ट को तो फोल्ड ही कर देना है। इसके बाद मैंने लिए फेरी लाइट्स, इसकी टोटल लेंथ 2 मीटर है, और ये आपको किसी भी गिफ्ट शॉप या पास के स्टोर में मिल जाएगी।
एंड इसका प्राइस 50 रुपीज़ पड़ा है मुझे। नाउ आगे करना क्या है, इस लाइट को इसके चारों तरफ लगाना है, चारों साइड्स पे किनारे किनारे इसको स्टिक करना है, और बीच में दो हैंगिंग वायर भी रखने हैं क्योंकि हमें उसी पे अल्फाबेट्स को लटकाना है। उसके लिए इसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक होल कर लेना है और दो होल मिडल में कर लेने हैं। उसके बाद हम इससे वायर को पास कर करके इसको कैसे भी चारों साइड से हमें निकालना है और फिर इसको एक मिडल से भी निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इसको मिडल से निकाल लिया है, फिर उसको पीछे से इंसर्ट करके इसको चारों तरफ मैंने घुमा दिया है। और आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप वैसे उसे लगा सकते हो, चाहे पहले साइड्स में करके फिर बीच से निकाल लो या फिर पहले बीच से करके बाद में साइड से निकाल लो। और अगर आपको बीच में लाइटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ साइड्स में लाइटिंग चाहिए, तो इस लाइट को सिर्फ साइड साइड में लगा लो और बीच में किसी रोप का या कोई सिंपल धागे का यूज़ कर सकते हो आप। तो हमारी लाइट्स पूरी तरह से सेट है और सही से लग चुकी है। अब इसके बाद बारी है अल्फ़ाबेट्स को हैंग करने की। तो इसके लिए क्या करना है, उसके ऊपर के पार्ट को ऐसे फोल्ड करना है और पीछे की साइड पे हम ग्लू करेंगे और उसको बस चिपका देंगे उसे हैंग करने के लिए। एक एक करके सारे अल्फ़ाबेट्स को इस पर लगा देना है। और अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि ज़्यादा इधर उधर हिल डुल रहा है, तो आप इसको पूरी तरह से उस पर भी चिपका सकते हो, नीचे की तरफ भी ग्लू करके उसको पूरा सेट कर सकते हो। बट अगर आपको हैंगिंग पार्ट में रख रहे हैं कि वो इधर उधर मूव भी कर सकता है, तो फिर आप उसे ऐसे भी लगा सकते हो सिर्फ ऊपर ग्लू करके। ये सब करने के बाद अब हमारा यहाँ पे आधे से भी ज़्यादा वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। वाह, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा और चीज़ें ऐड करते हैं, थोड़ा और इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं। उसके लिए मैंने बचे हुए कार्ड का यूज़ किया है और उस कार्ड को कट करके हम इसके बॉर्डर्स पे लगा देंगे ताकि ये थोड़ा डार्क लुक लगे और थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने उस कार्ड को कट करके इसके चारों साइड्स पे, चारों ही बॉर्डर्स पे लगा दिया है। ये एक और पैटर्न उसमें था तो मैंने इसको कट करके उसके टॉप पे लगा दिया है। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा पूरा फ्रेम रेडी। तो चलिए देखते हैं ये कैसा लग रहा है। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये कैसा लगा। ज़्यादा डिस्टेंस ये उतना क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को आउटलाइन भी कर दिया है। बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उसको वैसा कर सकते हो। तो ये है फाइनल लुक इस फ्रेम का, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।